6.2.2 यूरोप में मानववाद ह्यूमनिज्म। सन 1300 के आसपास यूरोप के विद्वान पुराने लैटिन और ग्रीक भाषा की पुस्तकों के अध्ययन में रुचि लेने लगे। वे बढ़ते व्यापार, शहरीकरण और उभरते राज्यों के कारण उपजी चुनौतियों पर विचार कर रहे थे तथा नए व्यवसायों व नौकरियों की संभावना का फायदा भी उठाना चाहते थे। लैटिन भाषा के विद्वान इटली के फ्रांसेस्को पेट्रार्क का जन्म 1304 मृत्यु 1374 को मानविकी अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है। वे इस बात से परेशान थे कि उनके समय के लोग भाषा का सही प्रयोग नहीं करते हैं। वे प्राचीन लैटिन साहित्य पढ़ने लगे ताकि वे समझ सकें कि भाषा का सही उपयोग कैसे हो। प्राचीन पुस्तकों को पढ़ने से वे समझने लगे कि इनकी मदद से ही हम सही भाषा के अलावा अपनी बुद्धि को सही तरीके से सोचने और दुनिया को बेहतर समझने के लिए तैयार कर सकते हैं। पेट्रार्क जैसे लोगों के प्रयासों से 14वीं और 15वीं सदी में यूरोप में ग्रीक और लैटिन साहित्य का अध्ययन तेजी से फैला। मानववादियों का मानना था कि इससे युवाओं में सोचने के तरीके और औपचारिक पत्र लेखन, भाषण देना, किसी न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करना, व्यापार या राजनयिक मकसद से बातचीत करना आदि व्यवहारिक कुशलताएं भी विकसित होंगी। अतः वे ऐसी शिक्षा देने के लिए शालाएं स्थापित करने लगे। इस काम में उन्हें जर्मन कारीगर गुटनबर्ग की सन 1439 में बनी छपाई प्रेस के आविष्कार से बहुत मदद मिली, जिसमें एक किताब की सैकड़ों प्रतियां आसानी से तैयार की जा सकती थी। इसके फलस्वरूप नई व पुरानी पुस्तकों की प्रतियां बहुत बड़ी मात्रा में दूर दूर तक पहुंच सकती थी। इससे विद्वानों के बीच संवाद और विचारों का आदान प्रदान बहुत सरल हो गया। एक रोचक बात यह है कि मानववादी विचारकों ने प्राचीन भाषाओं में रचे साहित्य के अध्ययन को तो महत्व दिया, लेकिन लेखन कार्य के लिए क्षेत्रीय भाषाओं जैसे इतावली, जर्मन, अंग्रेजी, पोलिश और फ्रेंच को ही चुना। वे ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहते थे जिसे जन सामान्य समझ सके। मानविकी अध्ययन और उससे पहले के मध्यकालीन अध्ययनों में क्या विशेष अंतर था? हमने देखा था कि मध्यकालीन अध्ययन धार्मिक मामलों पर केंद्रित थे और कोई विद्वान यह हिम्मत नहीं कर सकता था कि वह चर्च के विचारों के विरुद्ध लिखे या बोले। लेकिन अब अध्ययन मनुष्य के आम जीवन से जुड़ी बातों जैसे नायक और नायिका के बीच प्रेम, राजनैतिक व्यवस्थाएं, आर्थिक जीवन के मुद्दे आदि पर केंद्रित होने लगे। बाद में कई विद्वान और वे भी जो चर्च पर आश्रित थे, चर्च की आलोचना करने से नहीं चूके। उदाहरण के लिए लॉरेंजो वल्ला नामक लैटिन भाषा के विद्वान ने सन 1435 में चर्च के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अध्ययन करके ऐलान किया कि वे जाली दस्तावेज हैं। इनमें वे दस्तावेज भी शामिल थे जिनके आधार पर रोमन कैथोलिक चर्च यह दावा करता था कि प्राचीन काल में रोमन सम्राटों ने कई राजकीय अधिकार चर्च को दे रखे थे। हॉलैंड देश के एक और प्रसिद्ध मानववादी विद्वान इरास्मस, जन्म 1466 मृत्यु सन 1536, ने प्रारंभिक यूनानी ईसाइयों के साहित्य और बाइबल के प्राचीन ग्रीक मूल पाठ का भी अध्ययन किया। उन्होंने यह दिखाया कि चर्च द्वारा किए गए बाइबल के लैटिन अनुवाद में बहुत सारी गलतियां हैं। इरास्मस ने चर्च की कई मान्यताओं को अंधविश्वासी बताया। इस विषय में उन्होंने भूल की प्रशंसा नामक एक व्यंग्यात्मक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें चर्च के कई कर्मकांडों व विचारों की आलोचना की गई। क्या महिलाएं भी इस तरह का अध्ययन करती थीं? उन दिनों आमतौर पर पुरुषों को ही औपचारिक शिक्षा दी जाती थी। महिलाओं से अपेक्षा थी कि वे घर के कामकाज को संभालें। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने इस सीमा को लांघा और ग्रीक व लैटिन साहित्य का अध्ययन किया और मानववादी लेखकों में अपना नाम दर्ज किया। ऐसी ही एक महिला थी कसांड्रा फेडेल, जन्म 1465 मृत्यु सन 1558। फेडेल ने आग्रह किया कि महिलाओं को भी इस तरह के साहित्यिक अध्ययन में भाग लेना चाहिए। उन दिनों वेनिस एक गणतंत्र था, लेकिन उसमें महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। फेडेल ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इससे स्वतंत्रता और लोकतंत्र सीमित होता है और पुरुषों की इच्छाओं को प्राथमिकता मिलती है। एक तरह से यह पुरुष प्रधान व्यवस्था की शुरुआती आलोचना थी।
इससे आने वाले समय में नारीवाद विचारों के उभरने का रास्ता खुला। दूसरे मानववादी चिंतक थे इटली के मैकियावेली। मैकियावेली ने सन 1513 में एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था द प्रिंस। यह मूलतः राजनीति का एक अध्ययन था। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें किसी आदर्शवाद की चर्चा न होकर यथार्थ में जो राजनैतिक प्रक्रियाएं चल रही थी उनकी विवेचना थी। इसमें नैतिकता की चिंताओं से मुक्त होकर कोई राजा किस प्रकार निरंकुश शक्ति अर्जित कर सकता है इसका वर्णन मिलता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि प्राचीन साहित्य के अध्ययन से मानववाद शुरू हुआ था जिससे अपनी अभिव्यक्ति और चिंतन को प्रभावी और सुसंस्कृत किया जा सके। देखते ही देखते वह चर्च के विरुद्ध हो गया। इस आंदोलन के स्थायी प्रभावों में उदार साहित्यिक शिक्षा और बुद्धिजीवियों की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण बातें हैं।